हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 स्प्रेडशीट क्रिएटिंग चार्ट्स। एक्सेल प्रोग्राम में हम किस तरीके से चार्ट तैयार करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इन ए चार्ट। द चार्ट विल अपियर ऑन द वर्कशीट इटसेल्फ। Charts and graphs are more attractive and appealing than the simple presentation of data. हम एक चार्ट में Microsoft Excel 2010 प्रोग्राम में डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्कशीट पर चार्ट दिखाई देगा अपने आप से। चार्ट एंड ग्राफ्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग देन द सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक्सेल में हम एक सिंपल प्रेजेंटेशन डाटा तैयार करते हैं, उसकी तुलना में चार्ट और ग्राफ में जो हम डाटा देखेंगे वो अट्रैक्टिव होता है और अपीलिंग होता है, बहुत आकर्षणीय होता है वो। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। सम ऑफ द एडवांटेजेस आर एज फॉलोज। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव मैनर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए कम्पैक्ट मैनर। ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। ए मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट। आपकी चार्ट और ग्राफ्स में क्या एडवांटेजेस है उसके कुछ दिया गया है, क्या अच्छाई है। चार्ट और ग्राफ में जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो अट्रैक्टिव मैनर में प्रस्तुत करता है और दूसरा कॉम्पैक्ट मैनर में डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन करता है। और ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, आसानी से हम समझने और तुलना करने में भी आसान होता है। ए मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट। सिंपल डाटा की तुलना में माइंड पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। गिवन बिलो आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट। आपकी चार्ट की ये कंपोनेंट है, क्या क्या रहता है इसमें। चार्ट एरिया। द चार्ट एरिया इंडिकेट्स द कंप्लीट एरिया कंप्राइजिंग of all the objects in a chart. चार्ट एरिया में आपकी इसके अंदर जो कुछ भी काम होता है इस एरिया के अंदर होता है, जैसे कि ये आपकी ये पूरी जो काम हुआ है चार्ट एरिया के अंदर हुआ है। कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ए चार्ट। आपकी एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपने मैथ में भी पढ़ा है, ग्राफ में ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वैल्यूज। आप कोई सामान अगर बेच रहे हो तो उसकी किस महीने में कितने आपकी सेल हुआ है अगर आपको जानना है तो हम किस तरीके से हमें चार्ट में दिखाई देगा। इस तरफ जो है हमें वैल्यू दिखाई देता है और इस तरफ जो है हमें जनवरी फरवरी मार्च ये रहता है, हमारी एक्स एक्सिस में रहता है जनवरी फरवरी इस तरफ रहेगा हॉरिजॉन्टल की तरफ और ये हमारे वर्टिकल में रहता है वैल्यू, कौन सी महीने में कितने हमारे जो सामान है सेल हुआ है ये इंडिकेट रहता है। डाटा सीरीज इन इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज दैट आर प्लॉटेड ऑन ए चार्ट। आपके जो डाटा है वो डाटा सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यू दैट आर प्लॉटेड ऑन ए चार्ट। आपकी जो डाटा है उसकी वैल्यू ये चार्ट के अंदर ये प्लॉटेड एरिया में सारे
दिखाता है। कैटेगरी नेम, द कैटेगरी नेम्स आर द लेबल व्हिच आर डिस्प्लेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। प्लॉट एरिया, द प्लॉट एरिया विद इन चार्ट एरिया इट कॉन्टेन्स द एक्चुअल चार्ट। आपकी जो प्लॉट एरिया है ये एक्चुअल चार्ट एरिया है, आपने कौन सी महीने में कितने सेल हुआ है ये यहाँ कलरफुल से हमें दिखाएगा, कौन सी जनवरी में कितना हुआ है, फिर फरवरी में कितना हुआ है, मार्च में कितना हुआ है सेल, ये इस तरीके से हमें प्लॉट एरिया में दिखाएगा। चार्ट टाइटल, इट इज़ द टेक्स्ट दैट आइडेंटिफाइज द पर्पज ऑफ द चार्ट। आप एक चार्ट की टाइटल देंगे, कौन से आप मतलब क्या सामान आप बेच रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ एक टाइटल देना पड़ेगा। लेजेंड्स, दीज आर लेवल्स दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सीरीज दैट हैव बीन प्लॉटेड इन द चार्ट। दीज आर जनरली मार्क्ड बाय सिंबल और कलर और पैटर्न। आपकी ये कलर से पता चलता है, अलग अलग सीरीज से रहेगा ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट। द कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आर गिवन बिलो। पाई चार्ट, चार्ट कितने प्रकार के हैं और किस तरीके से हम बनाएंगे, कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाई चार्ट, इट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू विश टू एम्फसाइज ऑन ए परसेंटेज ऑफ ए वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट इन द डाटा। इट रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए पाई। जब आप अदर एलिमेंट की तुलना में किसी वैल्यू के परसेंटेज पर जोर देना चाहते हैं तो यह बहुत यूजफुल होता है। अगर आप किसी परसेंटेज में किसको निकालना चाहते हैं तो ये पाई चार्ट आप यूज कर सकते हैं। कॉलम चार्ट, द कॉलम चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप एंड इज यूज्ड टू शो द चेंजेस इन डाटा। कॉलम चार्ट ये यूज होता है आपकी डाटा चेंज करने के टाइम, हमें ये शो कराता है इसलिए हम कॉलम चार्ट को यूज करते हैं। लाइन चार्ट, ए लाइन चार्ट शोज ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स। इट शोज डाटा इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लाइन वेरिंग एट इक्वल इंटरवल्स। ए लाइन चार्ट यूजेज कनेक्टिंग डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक लाइन चार्ट आपके समान अंतराल पर डेटा में रुझान दिखाते हैं और यह डिफरेंट स्टाइल में डेटा को अलग अलग लाइनों में दिखाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं अलग अलग लाइनों में ये दिखाता है और उसके बाद समय समय पर ये डेटा को दिखाने के लिए क्या करता है, ये कनेक्टिंग डॉट्स का ये उपयोग करता है इस तरीके से। स्कैटर ग्राफ्स, द स्कैटर ग्राफ एंड लाइन चार्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट द स्कैटर ग्राफ डिस्प्लेस डाटा वेरिएशन ओवर इरेगुलर इंटरवल। स्कैटर ग्राफ जो है लाइन चार्ट की तरह और स्कैटर ग्राफ ये इरेगुलर की तरह दिखाता है, अलग अलग ये देख रहे हैं अलग अलग इस तरीके से ये दिखाता है। सरफेस चार्ट्स, ए सरफेस चार्ट कम्स इन हैंडी इफ यू आर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। ये दो डाटा को ये दो डाटा के बीच में जो सेल होता है, किसने कौन से महीने में कौन सा सेल, कौन सी मतलब ऑब्जेक्ट, कौन से सामान कितने सेल हुआ है, वो दो डाटा दिखाता है इसमें। सरफेस चार्ट में दो तरीके के ये डाटा दिखाएगा। बार ग्राफ्स, ए बार ग्राफ इलुस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। बार ग्राफ में इंडिविजुअल एक ही आइटम का ये
चार्ट दिखाता है। ए बार चार्ट हैज कैटेगरीज ऑन वाई एक्सिस एंड वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। डोगनॉट चार्ट डाटा दैट इज अरेंज इन कॉलम्स और रोज ओनली ऑन ए वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन ए डोगनॉट चार्ट लाइक ए पाई चार्ट। ए डोगनॉट चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू ए होल बट इट कैन कॉन्टेन मोर देन वन डाटा सीरीज। आपकी पाई चार्ट में जिस तरीके से दिखाता है ये भी इसी तरीके से ही दिखाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं होल की तरह है। और आपकी जब एक्सेल में आप देखेंगे इसकी चार्ट तो इसी तरीके से ही दिखाएगा, लेकिन इसमें एक डाटा से ज़्यादा डाटा दिखाते हैं और आपकी पाई चार्ट में एक ही डाटा दिखाएगा उसमें। बबल चार्ट डाटा दैट इज अरेंज्ड इन कॉलम्स ऑन ए वर्कशीट सो दैट एक्स वैल्यूज आर लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड बबल साइज वैल्यूज लिस्टेड इन एडजेसेंट कॉलम्स कैन बी प्लॉटेड इन द बबल चार्ट। आपकी बबल जो है इस तरीके से ये दिखाता है, राउंड की तरह रहता है और जो पास में लगा हुआ होता है पास पास जो कॉलम रहते हैं उनकी दिखाता है ये। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरीके से चार्ट बनाए जाते हैं और मैं ये प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी एक एक कैसे आपकी ये चार्ट दिखाता है और हम डाटा डालेंगे और किस तरीके से हमें मंथ में दिखाएगा और किस तरीके से कौन से महीने में कैसे सेल हुआ ये इंडिकेट करके दिखाता है हम देखेंगे। थैंक यू।